बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सेक्टर 18 से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक किया विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। बढ़ती महंगाई को लेकर वर्तमान की बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भारी पुलिस बल भी मौके पर रहा मौजूद। देखिए आज यूथ कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ता, महानगर कांग्रेस नोएडा के समस्त कार्यकर्ता, जो दिनों दिन मोदी राज में भाजपा सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, खाद्यान्न की चीज़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, एक आम जनमानस का, क्योंकि कोरोना काल से वैसे ही आम जनमानस बहुत परेशान है, लेकिन उसके बाद भी ये तानाशाही सरकार किसी भी आम आदमी को कोई भी राहत देने का काम नहीं कर रही है। आज समस्त कांग्रेस हमारा कार्यकर्ता, गौतम बुद्ध नगर नोएडा का कार्यकर्ता, आज हम लोग एक विरोध मार्च करके आज ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप बढ़ी हुई तेल की कीमतों को तुरंत वापस ले, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन करेगा। आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार हो चुका है, शतक मार चुका है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं आज क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 60-65 रुपए डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार एक आम आदमी को लूटने का और आम आदमी को गर्त में जाने का काम कर रही है। एक एक कार्यकर्ता हम लोग बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रियंका जी के नेतृत्व में आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगा, क्योंकि प्रत्येक युवा, आज हम युवा के रोजगार की बात करें, अगर हम नोएडा की बात करें तो स्कूलों में जो फीस वृद्धि हो रही है, कोरोना काल में एक फीस के लिए एक दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ से चलेंगे पैदल मार्च करते हुए, सिटी में स्टेट कार्यालय तक जाएंगे, वहाँ पे धरना देते हुए अपनी मांगों के लिए एक ज्ञापन हम लोग प्रेषित करेंगे, और इस प्रेस ज्ञापन जो होगा वो इस चेतावनी के साथ होगा कि आप इन मांगों को हमारी को माने, एक आम जनमानस को आप राहत देने का काम करें। देखिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे हम लोग सत्ता में हैं या नहीं है, जनमानस की प्रत्येक जो भी समस्याएं हैं उनको लेके हम लोग हमेशा सड़कों पर रहने का काम करते हैं। हम लोग वो नहीं है कि चुनाव के समय आए और अपना मुख दिखाया और चुनाव प्रचार में चले गए। हम लोग अगर ये हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हाईकमान के दिशा निर्देश पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन इस पूरे नोएडा को चक्का जाम करने का काम पूरे एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का नोएडा गौतम बुद्ध नगर का करेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।